टोटो के भाड़ा से उपजे विवाद में बाइक चोरी का हुआ खुलासा। शुक्रवार को बांका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए चोरी के मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद तथा बाइक चोरी की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में SDPO विपिन बिहारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बांका थाना अध्यक्ष शंभू यादव ने चोरी की गई मोटरसाइकिल की बरामदगी हेतु एक टीम का गठन किया। इसके बाद गुरुवार को एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा कवाड़ी के पास मोटरसाइकिल के पार्ट्स बेचे जाने की सूचना मिलने पर गठित टीम के पुलिस पदाधिकारी ने इंस्पेक्टर संदीप कुमार आनंद के नेतृत्व में विश्वकर्मा मंदिर के पास से खुले में रखे हुए मोटरसाइकिल के पार्ट्स के साथ एक युवक को हिरासत में ले लिया, जिसका नाम प्रीतम कुमार पांडे है। प्रीतम पांडे बाबू टोला ईदगाह रोड का बताया जा रहा है, जिसने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पूर्व उसने शिवाजी चौक पर फूड प्लाजा के एक होंडा कंपनी का मोटरसाइकिल मास्टर 24 से स्टार्ट कर लिया था और अपने घर लेकर चला गया था, जिसके बाद पुलिस के भय से उसने मसूरिया के सुफियान मिस्त्री के पास में चोरी की गई मोटरसाइकिल के सभी पार्ट्स को अलग कराया तथा मिस्त्री के ही भाई शमशेर अंसारी को 1500 में चोरी की गई मोटरसाइकिल का इंजन बेच दिया तथा गाड़ी के चैचिस को शास्त्री चौक के समीप अनवर आलम के कवाड़ी दुकान में 400 में बेच दिया। गुरुवार को उक्त वाहन का बचा हुआ पार्ट पुर्जा बेचने के लिए जब वह टोटो से भाड़ा कर मसूरिया के शास्त्री चौक के पास कवाड़ी खाने के समीप पहुंचा तो विश्वकर्मा मंदिर पर रुकने के बाद टोटो चालक से भाड़ा को लेकर विवाद हो गया। इसी बात में आसपास के लोगों को संदेह होने पर पुलिस को सूचना दे दी गई, जिसके बाद पुलिस को देखते ही टोटो वाला वहीं सामान फेंक कर फरार हो गया। निर्दोष के साथ बर्बरता और दुर्व्यवहार करने का बंधुआ कुराबा थाना अध्यक्ष पर जदयू नेताओं ने लगाया आरोप। शनिवार को बांका परिसर में बुद्धिजीवी समाजवादी जदयू नेता सह सांसद प्रतिनिधि बागी बिहारी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित कर जिले गए पुलिसिंग पर सवाल करते हुए थाना अध्यक्ष की बर्बरता और दुर्व्यवहार की उच्च स्तरीय जाँच की मांग वरीय पदाधिकारियों से किया गया। प्रेस वार्ता में नेता जगदीश यादव, प्रमोद राउत, मोहम्मद इकराम समेत पीड़ित महेंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि थाना अध्यक्ष द्वारा उसे ग्रामीण हाट से लौटने के दौरान जबरदस्ती रोक कर पत्नी के समक्ष गाली गलौज कर फिजूल में सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस डालकर जेल भेज दिया गया। इस दौरान हाजत में भरपूर पिटाई से उसका हाथ भी टूट गया। वहीं जदयू नेताओं ने बंधुआ कुराबा थाना अध्यक्ष पर कुछ माह पहले कर्मटाड़ के एक 9 साल के किशोर संदीप कुमार के साथ भी मारपीट कर हाथ तोड़ देने का आरोप लगाया है। मामले को दबाने के एवज में थाना अध्यक्ष द्वारा पीड़ित के परिवार को इलाज हेतु 40,000 खर्च देने की बात बताई। वहीं अंगारों के एक युवक कुंदन यादव को भी एक बार रास्ते में ओवरटेक कर मारपीट करते हुए गाली गलौज कर देने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है, नकेल कसना है, ना कि उन्हें दंडित करने का अधिकार है। यह न्यायालय के कार्य क्षेत्र में दखल देने जैसा है और थानाध्यक्ष के मानसिक कमजोरी और दलालों से प्रभावित होकर कार्य करने की कार्यशैली मालूम होती है। वरीय पदाधिकारियों को तुरंत मामले पर संज्ञान लेकर इसकी जमीनी जांच करनी चाहिए। इसकी मांग वे पुलिस अधीक्षक से मिलकर भी करेंगे। वहीं इस संदर्भ में जब बांका SDPO विपिन बिहारी से बातचीत कर थानाध्यक्ष पर लगाए गए आरोप के बारे में जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया कि आरोप लगाने वाला महेंद्र कुमार बंधुआ कुराबा थाना क्षेत्र के समीप कटोरिया थाना के एक गांव का निवासी है। 5 माह पूर्व उसे बालू चोरी कर बेचने के आरोप में पकड़ा गया था। वह अक्सर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके से बालू चोरी करने और कराने का काम करता था। गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उसके गुर्गों द्वारा पथराव भी किया गया, जिसके बाद उसे पकड़ कर जेल भेजा गया था। मारपीट करने की कभी कोई शिकायत नहीं की गई है। वहीं 9 वर्षीय किशोर के साथ मारपीट के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें ऐसी सूचना नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच उपरांत अगर मामला सत्य पाया जाता है तो निश्चित ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हाथ से उठा के ले गया जाके क्या कहता थाना, और थाना में मारपीट किया, उसी में इसका हाथ टूट गया। उसके बाद यहाँ लाया जाके कोर्ट, उस दिन कोर्ट में लाया तो जज बोला कि नहीं लेंगे इसको, हॉस्पिटल ले जाओ। फिर कैसे कैसे क्या हुआ, फिर जेल में इसको डाल दिया गया। वहाँ जेल में रहा 20-22 दिन, इलाज भी नहीं हुआ। किस केस में भेजा? जो केस में भेजा रहे ऐसे उठाया भेजा होगा ना। हाँ तो दस्तखत करवा लिया था, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता था कि ये कुछ मांग रहा था, पुड़िया या सिगरेट वो भी मांग रहा होगा तो वो पीछे पड़ गए। तो सरकारी काम है, वो गैर सरकारी काम कर रहा था। वो विभाग इजाजत देती है कि किसी को पकड़ के आप हाथ तोड़ दीजिए, गर्दन तोड़ दीजिए, है ना, गला दबा दीजिए, मार दीजिए। साफ जगह आवेदन दिया है, साफ जगह आवेदन दिया है। इसका तो मैंने 22 दिन जेल में रहा, उसके बाद हड्डी तोड़वा के हाथ चढ़ा गया तो डॉक्टर हड्डी तोड़ के तभी स्टील सेट किया। हम लोग चाहते हैं कि इस स्तर पर हो कि और लोगों के लिए भी ये सबक हो। जेल से भेजा भी नहीं इलाज के लिए, नहीं वहाँ डॉक्टर साहब लिखा तो कलम से इसको इलाज करा के लाइए। उसके बाद जज साहब भी बोला
फिर क्या हुआ, इन लोग बोला कि नहीं होगा इलाज, अभी करवा देंगे, तो नहीं करवाया, घुसा दिया हमको 11 बजे रात में घुसाया था। ऊपर से कम धंधा क्या करता है? हाँ खेती बाड़ी और कुछ छोटा सा निमोनी 10-12 घर का गाँव है, मतलब बॉर्डर पर है, कटोरिया और मौसी के बॉर्डर। किसान है, लघु कृषक है। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, किसानों, मजदूरों, शोषित वंचित महिलाओं, छोटे दुकानदारों के पक्ष में और मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ शनिवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह के नेतृत्व में काला पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। गांधी चौक पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बांका जिला कांग्रेस कमेटी सदैव अपने जन नेता के साथ है। भाजपा ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की तस्वीर रावण के रूप में छापी गई है, जिसमें अभद्र टिप्पणी भी की गई। अतः जिला कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार के अमानवीय हरकत के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह कितने शर्म की बात है कि मोहब्बत का पैगाम जन जन तक पहुंचाने वाले जननायक राहुल गांधी को भाजपा रावण के रूप में पेश कर रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा, दरअसल भाजपा डर गई है। जहां भारत में रही है, तपस्या करी है, फकीर की तरह